शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बने अभी 24 घंटे ही बीते हैं और उनकी बेइज्जती का सिलसिला शुरू हो गया है। पीएम बनने के बाद उन्हें गिने चुने देशों की ओर से बधाई संदेश मिले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी सिर्फ दो लाइन में ट्वीट कर शहबाज शरीफ को बधाई दी है। पाकिस्तान के विपक्षी दल के सबसे बड़े नेता तो शहबाज शरीफ के मुंह पर भारत की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। यहां तक कि इमरान खान के सांसद ने तो शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री मानने से ही इनकार कर दिया है। 24 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की बेइज्जती शुरू हो गई। पाकिस्तान की भरी संसद में शहबाज शरीफ के सामने इंडिया की तारीफ होने लगी। हमने अपना पैसा बचाना है, अवाम का पैसा बचाना है। आज दुनिया जानती है कि शहबाज शरीफ किसके इशारे पर दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं। पाकिस्तान की आवाम जानती है कि पाकिस्तान में किस तरह से लोकतंत्र का मजाक बनाया गया। अब तो शहबाज शरीफ को भी भरी संसद में खरी खोटी सुनाई जा रही है। शहबाज शरीफ के सामने लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए भारत की तारीफ की जा रही है। ये है इमरान खान की पार्टी पीटीआई के चेयरमैन गौहर अली खान। गौहर पाकिस्तान की संसद में भारत की शान में कसीदे गढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कैसे भारत की लोकसभा सीटों में 1971 के मुकाबले कोई 2024 में सीट बढ़ोतरी नहीं हुई, हालांकि उन्होंने ये आंकड़ा गलत बताया। लेकिन फिर भी साल 1971 में भारत में लोकसभा की सीट 528 नहीं बल्कि 518 थी। अब 2024 में लोकसभा की सीटें 543 हैं, मतलब 53 साल में सिर्फ 25 लोकसभा सीटें ही बढ़ी हैं, जबकि आबादी बढ़ी है करीब 85 करोड़। गौहर अली खान ने आंकड़ा भले ही गलत बोला हो, लेकिन भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में उन्होंने बिल्कुल सटीक बोला। भारत में पद के लालच में सीटें नहीं बढ़ाई जाती और न ही पद बांटे जाते हैं, जबकि पाकिस्तान में तो सेना तंत्र है, वहाँ सेना के इशारे पर सब कुछ होता है। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ तो 8 पार्टियों के सहयोग से प्रधानमंत्री बन गए हैं। जाहिर है उन 8 पार्टियों के बीच पद की डील जरूर हुई होगी, इसीलिए पाकिस्तान के विपक्षी दल के नेता शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री मानने से ही इनकार कर रहे हैं।